तुम्हारा आईना तुम्हारा आईना तुम्हारा मैं दिखाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को मैं जगाने आया हूँ, सोए हुए शेरों को मैं जगाने आया हूँ। कई लाओ का कर्म से लिया रहे और हम सबको अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत दे और हम सबको ये करे और ने करे। मुल्क में जो सानिया पेश आ रहा है अक्लियतों के साथ, किसानों के साथ, दलितों के साथ और बेखसूस मुसलमानों के साथ, तो उनके कान में गए क्यों नहीं गए? बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ जुल्म हो, पाकिस्तान में हिंदू भाइयों के साथ जुल्म हो, तो यहाँ का मीडिया चीखने चिल्लाने लगता है और अपने ही मुल्क हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के लिए, भारतवासियों के, मुसलमानों के जुल्म हो तो ये मीडिया को साफ नहीं जा पाए। الرحمن الرحيم ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم आईना तुम्हारा मैं दिखाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को मैं जगाने आया हूँ, सोए हुए शेरों को मैं जगाने आया हूँ। कई लाओ का कर्म से लिया रहे और हम सबको अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत दे और हम सबको ये करे और ने करे। जनाब सरवर साहब तशरीफ लाए और अपना इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम। 12 नवंबर 2021 आस्थाना आलिया सुल्तानुल हिंद नायबुल नबी अताए रसूल गाइए इस्लाम मुबल्लिग इस्लाम के आस्थाने से हम बरसीर के बिलखसूस भारत के मुसलमानों के लिए सदा बदन कर रहे हैं और इस कोई भी सरकार की नींदों को लगाने आए हैं कि अगर वो इनाम लेकर आता है तो मुल्क के वजीर आजम उसको शाबाशी देते हैं, कोई सेलिब्रिटी मर जाता है तो कंडोलेंस पेश करते हैं, लेकिन मुल्क में जो सानिया पेश आ रहा है अक्लियतों के साथ, किसानों के साथ, दलितों के साथ और बेखसूस मुसलमानों के साथ, तो उनके कान में गए क्यों नहीं गए? बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ जुल्म हो, पाकिस्तान में हिंदू भाइयों के साथ जुल्म हो, तो यहाँ का मीडिया चीखने चिल्लाने लगता है और अपने ही मुल्क हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के लिए, भारतवासियों के, मुसलमानों के जुल्म हो तो ये मीडिया को साफ नहीं जा पाए। जब बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ जुल्म हुआ, पाकिस्तान में हिंदू भाइयों के साथ जुल्म हुआ, हमने उस वक्त भी सदा बलन की क्योंकि हम चिश्ती रवायतों के, सूफी रवायतों के कायल हैं, पंजतनी हैं, मौलाई हैं, ये दरबार सबके लिए खुदा है, ये सबके लिए अमां है। हम हल्को अनाजुल्ला में यकीन रखते हैं, वासुदेवा कुटुंब भवे में यकीन रखते हैं, सिर्फ यकीन ही रखते हैं। 800 साल से अगर सेकुलरिज्म को कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो बारगाह हुजूर का इकरार तो कराऊंगी मजाया देखें। हम जमानी तौर से सेक्युलरिज्म के कायल नहीं, अगर हिंदुस्तान के आईन को कोई इम्प्लीमेंट कर रहा है तो दरगाह और खानकाएं कर रही है और बिल्कुल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमत अल्लाह अलैह का। पहले तो मैं मुबारक बात देता हूँ भारत के मुसलमानों को, एक मुसलमान जा चुका आज महाराष्ट्र में, पूरा महाराष्ट्र बंद का ऐलान हुआ है, कश्मीर से कन्याकुमारी, आसाम से राजस्थान तक आज जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, इजलास मुनाकिद किए जा रहा है। और ये जो मजहबों में लोग बटे हैं, ये वो लोग हैं जिनकी दुकानें चलती हैं, अवामुन्नास मुसलमानों में कोई बटाव नहीं है। ये बात गैर जिम्मेदाराना लोग करते हैं कि मुसलमान बटावा है, तो इंटेलिजेंस भी सुन ले, गवर्नमेंट भी सुन ले, जब बात ला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की आएगी
तो कोई भी आपको बढ़ावा नहीं मिलेगा। सब बैठे हुए मिलेंगे यहाँ, सब एक परचम के नीचे होंगे। हमारी जो ताकत है, हमारी जो कुवत है, वो कलमे की बुनियाद पर। कलमा हमारी जान है, लेकिन हम सब कुछ गवारा कर सकते हैं। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जात पर, शान मुकद्दस पर अगर कोई उंगली फेंकी तो तारीख गवाह है, दुनिया शाहिद है कि हम उन लोगों में से हैं जो जाने देना भी जानते हैं इस्लाम के, और जाने देना भी जानते हैं। सिर्फ जाने देना ही नहीं जानते हैं, हिंदुस्तान की जेलें कम पड़ जाएंगी, जेलों में जगह नहीं होगी, फांसियों के फंदे कम हो जाएंगे। ये वो कौम है जो हुजूर की नाम लेवा है कि मोहम्मद से वफा तो हम कह रहे हैं, ये जहां चीज क्या है लोगों का नफसी है। आज हिंदुस्तान का मुसलमान परेशानी में है, मुल्क परेशानी में है, तो बारगाह हुजूर अलीनाज के सुल्तान का हक भी है और फर्ज भी बनता है कि आवाज बुलंद करें। जब जब इस देश में कोई मुसीबत आई है, जब जब मिल्लत इस्लामिया पे कोई परेशानी आई है, तो खुदा में खाजा हुजूर नवाज ने अपना परचम बुलंद किया है। लेकिन इस बात को भी खातिर महूज रखा है कि भारत में प्लूरिज्म है, हिंदू मुस्लिम इतिहास आज भी है। उस इतिहास को कायम और दायम रखते हुए अपनी बात को हमने अपने अंदाज से कहने की कोशिश की। काश आज ये अगर आता नूर नहीं होता, आशा ने आलिया हजूर गणनाथ का मामला नहीं होता, कहीं और जगह होती, तो हमारे तकलीफ का रवैया भी कुछ और होता। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम बातें तो हो गई हैं। अब एक मैं कहना चाहूंगा, जो जो लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो हिन्दुस्तान के मुसलमानों तक ये पैगाम पहुंचाएं कि मुसलमान ये पूछता है कि हजरत का ढूंढना क्या चाहिए और हमें करना क्या चाहिए। हमें ये करना चाहिए हमें करना क्या चाहिए, एक कौम बन के उभरना चाहिए, हमारी उर्दू जबान को वापस से पकड़ना चाहिए। आज 9 नवंबर को यौम उर्दू मनाया गया पूरी दुनिया में, तो हमें उर्दू को अपनी पहचान बनाना चाहिए। जगह जगह टेक्नोलॉजी लैब, डिस्पेंसरीज, स्कूल, कॉलेजेस बनाना चाहिए, और बिलखसूस मीडिया, हमारा अपना मीडिया होना चाहिए, क्योंकि मीडिया ने हिन्दुस्तान में हिंदू मुस्लिम इतिहास को खत्म करने की कोशिश की है और जगह जगह झगड़े खड़े आए। तो रोल मैप हमारा ये होना चाहिए, मुसलमानों के हमें इतिहास से काम लाना चाहिए और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के झंडे की तले आ जाना चाहिए। रहमान इल्ला अल्लाह बिल आखिर जुल्फिकार हैदरी का ही सहारा लेना पड़ेगा। सैयद संघर्ष चिश्ती एक फोटो खिंचवा।